तो भाई यार, क्या आप लोग को पता है ग्रैंडमा में हम लोग को गैसोलीन कैन मिलता है, और इस गैसोलीन कैन का यूज कहाँ करना होता है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये जान लो, ग्रैंडमा के अंदर जो गैसोलीन कैन हम लोग को मिलता है वो एक नहीं दो मिलते हैं, और दोनों ही कैन एक ही जगह यूज होते हैं, जनरेटर वाले रूम में। और इसके अलावा हम लोग कैन का यूज कहीं नहीं कर सकते। अब जनरेटर वाला रूम में आने के लिए आपको इस लोकेशन पे आ जाना है। इस गेट पे भाई चैन लगा होगा, चैन कटर से चैन कट कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ से अंदर अंदर आपको जाना है। जैसे ही आप इसके बाहर निकलोगे, समझ लो आप जनरेटर वाले रूम में पहुंच गए। जनरेटर वाले रूम में पहुंचते ही आपको दोनों ही कैन को भाई यूज कर लेना है। जब तक आप लोग भाई इसके अंदर फ्यूल नहीं डालोगे, जनरेटर चालू नहीं होगा। और बहुत सारे बंदों को ये लगता है कि एक फ्यूल से हम लोग जनरेटर चला देंगे, तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। जब तक दोनों कैन आप इसमें नहीं डालोगे, तब तक भाई जनरेटर ऑन नहीं होगा। तो बस सिंपल सा गैसोलीन कैन का यूज यहीं तक था, और कहीं पे भी नहीं है। तो भाई यार, ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।